हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज हम साबूदाने की टिक्की बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं साबूदाने की टिक्की। ये हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है, इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था और ये इतने अच्छे से भीग कर तैयार हो चुका है। और एक कटोरी हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको हमने रोस्ट कर लिया था और इनका छिलका उतार लिया है। ये हमने 5 से 6 आलू लिए हैं उबले हुए, और ये जीरा लिया है हमने 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, ये सेंधा नमक है, और 1 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक कट कर लिया है, 1/4 चम्मच हमने काली मिर्ची पाउडर लिया है। तो आइए बनाते हैं टिक्की। ये मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैं गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी, चाहे आप हाथ से मैश कर सकते हो, मैं कद्दूकस करूँगी। और ये हमारे आलू अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं, इसे मैं वापस फिर से बाउल के अंदर ही डाल लूंगी। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, अब मैं मूंगफली को दरदरा पीस लूंगी। ये हमने मूंगफली को दरदरा पीस लिया है, मूंगफली को मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही मैं ये साबूदाना भी इसी बाउल के अंदर डाल दूंगी, और ये हरी मिर्च, जीरा और काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार इसमें डालूंगी मैं, और इसे मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा तीखा करने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और ये हमारा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसकी टिक्की बनाकर तैयार करूंगी। आपको जितना बड़ा साइज रखना है आप उतना साइज ले सकते हैं, मैं इतना बड़ा साइज रखूंगी टिक्की का। आप इसे नवरात्रों के व्रत में बनाकर जरूर खाना। और अब मैं इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, और गैस के फ्लेम को हमने स्लो पे ही रखना है। और बाकी बची हुई टिक्कियां भी मैं तैयार कर लेती हूँ। इतना अब इनकी साइड चेंज करेंगे, और ये कितने अच्छे से बन सिक रही हैं हमारी टिक्कियाँ। ये सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और ये हमारी टिक्की फ्राई हो गई हैं, कितनी बढ़िया से फ्राई हुई हैं। इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी प्रकार से बाकी बची हुई टिक्कियाँ भी फ्राई करूँगी मैं।
और ये हमारी टिक्कियां ये वाली भी फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी और ये हमारी टिक्की अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। गैस को मैं बंद कर दूंगी और ये हमारी टिक्की कितने बढ़िया से फ्राई हुई हैं और करारी बिल्कुल। ये हमारी साबूदाने की टिक्कियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसे नवरात्रि में जरूर बनाएं और खाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।